हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचल डायरी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छी होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये जो आपको व्यू है दिखा रही हूँ, ये है सुंदरनगर का व्यू और ये है झील के साथ ही सड़क का व्यू, और बहुत ही सुंदर सा व्यू है। और हम जा रहे हैं घूमने, तो अभी मैं बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सुंदरनगर के बस स्टैंड में, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जी आज बिलासपुर। और बिलासपुर हम क्यों जा रहे हैं तो आपको वीडियो में बताते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं बिलासपुर। तो ये है, अभी अभी हम निकले हैं घर से और अभी टाइम हुआ है 11 बजे का, तो अभी 11 बज गए हैं। आजकल है विंटर सीज़न और सुबह सुबह होती है बहुत ही ज़्यादा ठंड, तो सुबह नहीं निकल सकते क्योंकि सुबह सुंदरनगर में पड़ती है बहुत ज़्यादा धुंध, और यहाँ पर लगती है 8 और 9 के बीच में धूप, 8 बजे और 9 बजे के बीच में धूप। तो हमने सोचा हम दिन में जाएंगे, तो हम निकले हैं अभी 11 बजे और वापस हम पहुँचे हैं शाम को 5 बजे, और हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और बस अभी हम सुंदरनगर से ही चले हैं, और आइए आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं आज बिलासपुर यानी सलापट, जो कि सुंदरनगर से जो चलो रील्स बनाओ रील्स में जाता है, और आई थिंक 13 या 14 किलोमीटर है, और वहाँ से टनल में जाता है यहाँ से और सलापट में निकलता है। तो हम आज जा रहे हैं सलापट, और यहाँ जो दिख रही है आपको ये है डहर पावर हाउस, जो कि यहाँ पर BBMB भी है। और ये हमें बता रही थी कि सलापट का जो BBMB है वो यहाँ पे है इनके रूम्स, और हम अभी पहुँच चुके हैं सलापट। तो सलापट में हम जाएंगे और वहाँ पे जो टनल का पानी है वहाँ उनको देखेंगे कि वह कहाँ निकलता है, और आपको भी आगे वीडियो में दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, आप भी कभी आना और इस जगह का लोकेशन का एंजॉय करना। पर जब हम आए थे उस टाइम वहाँ पानी नहीं छोड़ा था, तो ये हमने मिस कर दिया। आई पता नहीं कब छोड़ते हैं पानी, तो ये वाला वो वाला जो मतलब पानी छोड़ने से मतलब थोड़ा व्यू अलग सा ही आएगा, क्योंकि जो टनल का पानी है वो उस जहाँ निकलता है आपको आगे दिखाया जाएगा कि कहाँ से निकलता है। तो फिर जब हम कहीं नेक्स्ट बार जाएंगे तो आपको उस जगह में जो पानी निकलता है टनल का उसको भी दिखाएंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं सलापड़ में, तो यहाँ अभी थोड़ी ठंड भी हो गई थी क्योंकि ये जो जगह है वो सतलुज नदी है ना, उसके साथ साथ में ही है, और यहाँ दोनों नदियों का संगम हुआ है। ब्यास नदी को वहाँ से लाया गया टनल के थ्रू, और पीछे से जो कोल डैम है वहाँ से सतलुज नदी आई है, और दोनों को यहाँ का संगम हुआ है दोनों का, दोनों नदियों का। और ये जो आप दिख रही है ये आई है वहाँ से सतलुज नदी, और यहाँ पर दोनों इकट्ठा हुई है ब्यास के साथ, जो कि ब्यास में वहाँ से टनल का पानी लाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से है यहाँ का नज़ारा, और आप देख ही सकते हैं यहाँ जो पहाड़ियों में दिखाई दे रहा है यहाँ से आती है वो टनल, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है डहर पावर हाउस। डहर पावर हाउस में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली इसी प्रोजेक्ट में पैदा की जाती है, जो कि है 990 मेगावाट, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेगा बिजली इसी वाले मतलब जो भी सलापड़ है क्या बोलते बग्गी है, मतलब इन तीनों चारों में सबसे ज़्यादा बिजली यहीं पर ही पैदा की जाती है। और आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर दोनों नदियों का संगम हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो आप कितने ज़्यादा टावर लगे गए हैं, और यहीं से ही सब में ये जो आपको अभी दिखाऊंगी मैं यहीं से है जो टनल जहाँ से पानी आता है। और बस ये हम सभी गए थे, और ये मैं अभी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो ये है वहीं से जो टनल का पानी यहाँ से होकर आता है। तो अभी टनल बंद थी तो अभी ये चीज़ हमें नहीं दिखती। तो ये है यहाँ के आसपास का व्यू, और वहाँ है प्रोजेक्ट, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ जो सड़क है वो सीधे नदी से साथ साथ ही चलती है, और ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, धूप नहीं लगी थी, तो यहाँ पर हम सभी गए थे। और ये है एकता, और एक ज्योति है, हम आज पूरे साल के लोग 5 लोग गए हुए थे, 6 लोग। तो ये है निशा आकांक्षा, जो कि हम लोगों ने फोटो क्लिक कर रहे हैं, और ये आपको फिर से मैं दिखा दूँगी वो टनल जहाँ से सलापट में वो निकलती है, और अभी यहाँ पर पानी नहीं छोड़ा गया था, अगर पानी छोड़ा गया तो यहाँ का
व्यू बहुत ही अमेजिंग होता। तो बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और आपको फिर से एक बार यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं कोल डैम के लिए और फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है कोल डैम। तो चलिए देखते हैं रास्ते में आगे। सीधा ही चले लो ना, मेरी बॉडी को थोड़ा बहुत लगेगा। कोल डैम और हम कोल डैम से थोड़ी ऊपर जा रहे हैं। मेरा थोड़ा खतरनाक है नीले नीली वाला, थोड़ा रास्ता गलत ले लिया था। पर जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें डैम का बहुत ही सुंदर नजारा दिखा और हम पहुंच चुके हैं कोल डैम के पास नीचे। मालिक को ध्यान रखिए, हमने सही वाला रास्ता लेकर हम नीचे पहुंच चुके हैं और वंजीत जी यहाँ जाके चल रहा है और मजे कर रहा है। यहाँ जो हम गए हैं इस जगह को बोलते हैं व्यू पॉइंट और इसी जगह से कोल डैम को देखा जाता है, मतलब यहीं से ही इसका आसपास को देखने दिया जाता है क्योंकि अंदर जो प्रोजेक्ट है वहाँ सभी लोगों को जाने की परमिशन नहीं दी जाती, मतलब ओनली स्टाफ ही जाता है जो वहाँ उनका काम करता है। तो अब हम यहीं से यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है और पहाड़ों को चीर कर जो पथरीली पहाड़ आप देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पर लेयर बना के ये जो डैम है इसको पानी रोका गया है। और जिस भी जो साइंटिस्ट ने जो भी मतलब इंजीनियर जो भी आप बोल सकते हैं जिन्होंने ये दिमाग लगाया है, बहुत ही अमेजिंग दिमाग लगाया है क्योंकि इतनी बड़ी स्पेस में जहाँ से पानी मतलब जाना चाहिए वहाँ बिल्कुल कम स्पेस है और पानी रोकने के लिए बहुत ही मतलब शानदार सी जगह बनाई है। और फिर यहाँ ये डैम तैयार किया गया है, बहुत ही सुंदर है। बोला गया है कि यहाँ जो डैम बनाने की वजह से बहुत लोगों की ज़मीनें गई है और लोगों को बहुत ही आप सोच प्रभावित हुए थे उस टाइम आपको, और अब भी कभी जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो बोल रहे थे कई बार यहाँ पर लोगों की ज़मीनें वगैरह डूब जाती है। और तो आप सोच ही सकते होंगे अपने घर से दूसरी जगह शिफ्ट होना कितना मुश्किल होता है, अपनी जगह से जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ से शिफ्ट होना कितना मुश्किल होता है। तो आप सोच ही सकते होंगे यहाँ से कितने ज़्यादा लोग इधर उधर शिफ्ट हुए होंगे, तो उन लोगों को वजह से ही ये डैम बना है जिन्होंने अपनी ज़मीन और घर बार छोड़कर यहाँ से गए हैं। और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, यहाँ से पूरी झील दिखाई दे रही, झील बोला डैम दिखाई दे रहा है। ये जो डैम है बहुत ही बड़ा है और मानव कृत्रिम डैम है। और आपको बता दूँ एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है कोल डैम और कि कौन ये कोल डैम कैसा डैम है, या मतलब प्राकृतिक डैम है या फिर मानव निर्मित है। तो ये मतलब अपने आप बनाया गया है इसको, ये पहले से नहीं था। तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी 4 बज गए थे तो हमें वापस भी जाना था क्योंकि आजकल आपको पता ही है 5:30 बजे सनसेट हो जाता है तो फिर ठंड भी बहुत होती है आजकल, तो एक तो सुंदरनगर में और भी ठंड रहती है और पानी जैसे झील की वजह से यहाँ भी काफ़ी ठंड थी। तो अभी हम जा रहे हैं वापस और आगे जो हमें फैक्ट्री जैसी दिखी वो है बरमाना फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री। और सीमेंट फैक्ट्री होने के कारण यहाँ पर बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, मतलब ये जो फैक्ट्री बनी है यहाँ पर आसपास बहुत ही ज़्यादा घर है और मैं ऐसे देख रही थी, मैंने बोला देखो यहाँ पर कितने धुआं ही धुआं आ रहा है और लोगों जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि यहाँ से जब हम देख रहे थे तो वहाँ हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत ही धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। तो अभी शायद या तो वो क्लिप चला गया है या तो अभी मतलब आएगा तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी जहाँ परमाणु सीमेंट फैक्ट्री है ACC की। तो मेरे हिसाब से जो फैक्ट्रियाँ होती है ना वो बिल्कुल साइड में लगानी चाहिए ताकि लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप सब देख सकते होंगे अगर कोई भी चीज़ जैसे फैक्ट्री वगैरह लगती है तो उसका बहुत ज़्यादा एरिया उसमें कवर किया जाता है और ऐसी फैक्ट्री हमेशा गांव में नहीं लगनी चाहिए, जैसे साइड में लगनी चाहिए खुले स्थानों में। तो यहाँ जो फैक्ट्री लगी है वो मतलब ये आपको पता है यहाँ का एरिया थोड़ा थोड़ा प्लेन ही था, जो बीच बीच में था इधर उधर पहाड़ियाँ थी और जो गांव बसे हुए थे वो प्लेन एरिया में ही थे।
तो यहाँ से जो बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था वो प्रोजेक्ट, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि ये प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पर लगा तो है अच्छा, पर जैसे उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी जो यहाँ पर रहते हैं। और आप देख ही सकते हो यहाँ से कुछ दिख रहा था वो प्रोजेक्ट शायद, नहीं पर हम कहीं से रुके हैं और उसको देखने वाले हैं, तो शायद आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और बहुत ही धुंधला धुंधला सा लग रहा था यहाँ से। हाँ इधर ही है उधर आगे। अब हम बैक लेने वाले हैं गाड़ी। लो लो लो, तो यहाँ से हम अभी बैक लेने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ, और आपको सामने दिखाई देगा यहाँ वो प्रोजेक्ट है। और ये आप देख सकते हो सीमेंट का धुआं किस तरह से उठ रहा है और आसपास कितना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो लोगों को किस तरह से प्रॉब्लम आती होगी यहाँ पर रहने से। और एक तो आपको पता ही है सीमेंट कितना मतलब हार्मफुल रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन पूरी ख़राब हो सकती है, तो ये तो वही लोग जानते होंगे जो यहाँ रहते हैं। तो उस तरह से ढल चुके हैं और उनको आदत पड़ गई है। और ये है कुछ क्लिप्स जो कि कोल डैम के पास लिए हैं, बहुत ही सुंदर सा व्यू। और मैं पहली बार इस कोल डैम में गई थी तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और वही होता है ना जो यहाँ रहते हैं लोग उनका तो ये रोज का ही हो गया है। और जो बेचारे यहाँ से कुछ उनको घर छोड़ के जाना पड़ा उनको तो कितना बुरा लगता होगा इस डैम को देख कर कि इसकी वजह से हमें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। तो जो हम है तो होते हैं ना दूर से आए हुए लोग, उनको क्या पता कि जो यहाँ के लोग हैं उन पर उस टाइम क्या बीती होगी जब उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मेरी बातें नहीं हो रही है ख़त्म, और मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। जय हिमाचल।